ब्रिटेन में 30,000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले साल जून से 30,000 जवानों को लगातार ये ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग में 10 देशों की मदद। और देखिए जो एक्सरसाइज की जा रही है उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग, और बीते साल से ही ब्रिटेन में सैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम जारी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त बहुत अहम है क्योंकि लगातार रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है 20 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, और ज़ेलेंस्की भी खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले साल जून से 30,000 जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है ब्रिटेन में। और ये तस्वीरें जो एक्सक्लूसिव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये सामने आई है टैंकों के जरिए और अलग अलग वॉर फ्रंट्स पर कैसे मुकाबला करना है दुश्मन का, ये सब कुछ इस ट्रेनिंग का हिस्सा है। 30,000 की संख्या में यूक्रेनी सैनिक है जो कि इस युद्धाभ्यास में शामिल है। एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है यूक्रेनी सैनिक जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इसमें 10 देश और भी हैं जो कि मदद कर रहे हैं ब्रिटेन के अलावा। हालांकि आपको हम ये बताते हैं कि 30,000 ट्रेन यूक्रेनी सैनिक कैसे रूस के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इस लिहाज से समझिए, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटेन की तरफ से इनको ट्रेनिंग मिल रही है, खबर ये आई है कि 30,000 यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटेन ट्रेनिंग दे रहा है। इससे होगा क्या, ट्रेन्ड सैनिकों को स्पेशल ऑपरेशंस में आगे डिप्लॉय किया जा सकता है। अब इसका असर क्या होने वाला है, रूस को अग्रिम मोर्चों पर चुनौती मिलेगी। 30,000 अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है जिन्हें फ्रंटलाइन पर डिप्लॉय किया जाएगा। बड़ी बात है, आप जानिए, ब्रिटेन ने नेटो के पैटर्न पर बकायदा ट्रेनिंग दी है। तो 30,000 सैनिक जो कि ट्रेन किए जा रहे हैं, और ना सिर्फ ब्रिटेन बल्कि जैसा हमने आपको बताया कि 10 देशों के एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल हैं जो कि इस ट्रेनिंग का हिस्सा है। हालांकि यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले जिस तरीके से जारी है, कुछ और बड़ी खबरें हमारे पास है। आपको बता दें, अब चोनोबायेवका में रूसी सेना ने रॉकेट दाग दी है, और रॉकेट हमले में 3 लोगों की मौत की भी खबर आई है। और वहीं एक और बड़ी खबर, दिमित्री मेदवेदेव ने मॉस्को में ड्रोन सेंटर का दौरा किया, ड्रोन सेंटर में अफसरों के साथ बैठक की है, और बैठक में सेना की जरूरतों के लिए ड्रोन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिमित्री मेदवेदेव जो कि ड्रोन सेंटर का दौरा करने, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, और यहां पर एक से बढ़कर एक आधुनिक ड्रोन जो रखे गए थे उसका निरीक्षण किया गया, और बकायदा यह भी कहा गया कि ड्रोन का उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी, क्योंकि अब जो मौजूदा दौर है इसमें ड्रोन एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर युद्ध में उभर कर सामने आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, जहां ब्रिटेन ने यूक्रेनी जवानों को ट्रेनिंग तो दे दी है, और जंग के दौरान 30,000 जवानों की ट्रेनिंग को लेकर यह खबर बड़ी है। ब्रिटेन के साथ 10 और देशों ने जिस तरीके से ट्रेनिंग दी है उसकी बकायदा तस्वीरें जारी की गई, और अब आपको हम ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर ये बता रहे हैं कि कैसे रूस से जारी जंग के बीच ये खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन उस ट्रेनिंग के साथ साथ तस्वीरें जो जारी की गई हैं, ये रूस के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और रूस के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। और एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ जंग पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया, मौसम की वजह से जंग और ज्यादा मुश्किल हो गई है। दक्षिणी मोर्चे पर दुश्मन पर बड़ा प्रहार किया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से, ये बड़ा दावा। बाखमुत, डोनेट्स्क में, अवदिवका में रूसी हमले इस बीच तेज भी हुए हैं। पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेनी सेना रक्षात्मक पोजिशन में है, यानी कि डिफेंडिंग पोजिशन पर पहुंचा दी गई है, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से दावा किया गया। तो रूस यूक्रेन जंग के बीच मौसम भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। ठंड बढ़ रही है, और ठंड बढ़ने से दोनों देशों की सेनाओं के लिए मुश्किलें, चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे जिसका सामना करना पड़ रहा है। इन मुश्किलों के बीच ज़ेलेंस्की ने रूस को अगले साल यूक्रेन से बाहर करने की कसम खा रखी है, लेकिन यह क्या वाकई में हो पाएगा संभव? ज़ेलेंस्की की कसम, रूस की होगी हार, यह दावा करते हुए ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन 2024 में रूस को अपने देश से बाहर कर देगा, बकायदा डेडलाइन और वक्त भी देते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी कब्जे वाले आधे से ज्यादा इलाके को मुक्त कराया जाएगा, यह दावा। और साथ ही इस साल ब्लैक सी की बात की जाए, काला सागर के अधिकांश इलाके से रूस को हम खदेड़ देंगे, ये यूक्रेनी राष्ट्रपति बोल रहे हैं सुरभि। हालांकि यूक्रेन की एयर डिफेंस को मजबूत करने में मदद भी काफी अहम साबित हुई है, और एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लोगों की जान भी बचाती नजर आ रही हैं, क्योंकि युद्ध की चपेट में जिस तरीके से आम नागरिक भी इसकी चपेट में आए हैं, प्रमुख शहर पूरी तरीके से अब विश्वसनीय एयर शील्ड से
कवर कर दिए गए हैं और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से काला सागर में सफलता की गारंटी की बात जेलेंस्की की तरफ से कही गई है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा, बुनियादी ढांचे को ठीक करने में इसकी मदद को लेकर भी जेलेंस्की आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन ये साफ हो चुका है कि जेलेंस्की एक बार फिर से युद्ध के हालात के बीच ये साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी युद्ध में यूक्रेन रूस का कड़ा मुकाबला करने के लिए आगे भी तैयार है।